चैनल का आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 के। अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे आपको उसकी कैमरा क्वालिटी वगैरह, उस फीचर वगैरह आपको सब कुछ दिखा देंगे। बैटरी कब क्या है उसकी, उसको फुल डिटेल आपको दिखा देंगे कि इसमें फीचर क्या क्या है। सैमसंग वालों ने इसका अपग्रेड करा है, आपको फुल फीचर आपको बता देंगे। वैसे उस फोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आपको अनबॉक्सिंग। सैमसंग का फोन जो बुक करा था मैंने वो ये है, जो मैंने अमेजोन से प्रोडक्ट मंगाया है। इसे ऑलरेडी मैंने इसे खोल के कन्फर्म करने के लिए मैंने ऑलरेडी इसे खोल लिया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा फ़ोन, इसे साइड में रख देता हूँ। बाकी फ़ोन तो काफ़ी लुक वाइज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सैमसंग गैलेक्सी M21 का। बाकी फीचर वगैरह जो इसमें दिए गए हैं, ये फीचर वगैरह दिए गए हैं, ये आपको दिखा देता हूँ। ये रहा फीचर वगैरह इसमें दिए गए हैं। 6000 mAh की बैटरी दी गई है, 48 MP का सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो दिया गया है। बाकी इसका मेन कैमरा 48 MP का है। उसके बाद आपका सैमसंग का आता है 8 MP का, 5 MP का। बाकी फीचर इसका वगैरह चले उसके अनबॉक्सिंग करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि आपको अनबॉक्सिंग से मतलब है, कुछ फीचर वगैरह से मतलब आपको हो या ना हो मुझे नहीं पता। बाकी मैं अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। ये रहा चेस, तो लग जाए हल्का सा चीरा। ओके, तो इधर भी चीरा, तो थोड़ा हार्ड है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे फ़ोन आ चुका है, इसे रखते हैं साइड में। ओके, इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं, निकल। ओके, आ गया हाथ में हमारा फ़ोन। फ़ोन को रखते हैं साइड में। बाकी इसके फीचर वगैरह से अंदर देखते हैं क्या क्या बॉक्स में आया है हमारा। वो ज़्यादा तो कुछ नहीं है, साथ में हमारा जो दिया गया है, निकल बाहर भैया, ये 15 वाट का हमारा जो दिया गया है फास्ट चार्जर दिया गया है, अडैप्टर का हमारा 15 वाट का। और जो हमारी दूसरी चीज़ दी गई है बस इसके, ये हमारी डाटा केबल दी गई है। और बाकी अंदर इसके एयरफोन वगैरह और सिनिकॉल का जो हमारा साथ में सैमसंग जो कवर वगैरह भी देते हैं, वो कवर का हमारा कुछ भी नहीं आया है, इसे हम साइड में रखते हैं। और बाकी जो हमारा मेन चीज़ है हम उसको साइड में रख कर आपको दिखाते हैं मेन चीज़ के बारे में। तो सैमसंग रैपर्स को हम हटा लेते हैं। कहाँ गया इसका रैपर, एयर पेपर्स का। ओके, तो भाई क्या बात, क्या बात, सब रखते हैं साइड में। तो फ़ोन तो काफ़ी मस्त लग रहा है, फीचर वगैरह तो मुझे इसके अंदर ही जाके पता लगेंगे। बाकी तो लुक वाइज काफ़ी है। इसकी जो पीछे की बैक है प्लास्टिक की दी गई है, तो काफ़ी इसमें आवाज़ नहीं है काफ़ी, तो लेकिन ये कवर पे ही यूज़ करने लायक फ़ोन है, क्योंकि ज़्यादा आपको ऐसे यूज़ करने लायक नहीं है। फ़ोन तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, वो फ़ोन की थिकनेस भी बहुत अच्छी दी गई है। तो साइड में आपको जो दिया गया है, ये नीचे टॉप में जो दिया गया है आपका स्पीकर दिया गया है, और साथ में आपको जो मिलता है ये टाइप सी का चार्जर, और साथ में आपका प्यारा सा दुलारा सा हेडफोन जैक। बाकी इसका फीचर में कुछ नहीं है। आपका साइड में जो आपको जो मिलता है ये आपको डुअल सिम और साथ में SD कार्ड भी लगाने को मिलती है। बाकी आपका मेन कैमरा जो दिया गया है 20 MP का मेन कैमरा दिया गया है। आपको साइड में जो आप दिखाते हैं आपको 48 MP पे नीचे सैमसंग वालों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसका जो मेन कैमरा 48 MP का है, यहाँ पे नीचे आपको 8 MP का मिलता है, और सबसे टॉप पर आपको मिलता है 5 MP का। तो इसका हम बूट करते हैं, तो ऑन हो जा बैटरी चार्ज है। हाँ, ऑलरेडी ऑन हो गया। तो हमारे ये फ़ोन जब तक ऑन होता है तो हम वीडियो को पॉज करते हैं। तो गाइज़ मैंने फ़ोन का पूरा सेटअप चालू कर लिया, इसमें इंस्टॉल वगैरह पूरा मैंने सब कुछ चेक करके आपको मैं इसके आगे के फीचर वगैरह दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे इसका लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा मुझे लुक वाइज इसका लगा है। स्क्रीन तो काफ़ी स्मूथ, बहुत ही प्यारी चल रही है। मैं इसकी स्क्रीन से काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ, क्योंकि सैमसंग वाले जो उसकी फ़ोन की जो देते हैं स्क्रीन बहुत ही अच्छी देते हैं। पीछे का बैक तो है ही सही माशाल्लाह। मेन चीज़ जो हमारे जो देखी जाती है इसकी स्पीड काफ़ी स्मूथ दे रखी है, और हमारा जो मेन चीज़ आता है हमारा का कैमरा मेमोरी किट में काफ़ी अच्छी दे रखी है, और उसका जो हमारा कैमरा है। तो गाइज आपको हमारा जो कैमरा आप देख रहे हैं, कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। मैं इसका कैमरा आपको दिखा रहा हूँ, और मुझे तो उसका फोकस बहुत ही अच्छा लग रहा है। पीछे का मैं आपको उसकी कैमरा क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ, मैं कुछ कैप्चर खींचता हूँ आपको उसकी कैमरा क्वालिटी दिखाता हूँ उसकी कैमरा कैसे है। तो गाइज दिखाता हूँ,
तो गाइज मैं इसकी कुछ फ़ोटो खींच के लेके आया हूँ और उसका आपको मैं दिखाता हूँ। ये साथ में इसके जो फ़ोटोज़ है काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे लग रही है। फ़ोन तो काफ़ी ज़बरदस्त है, मुझे फ़ोन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसकी जो साथ में थिकनेस बहुत ज़्यादा अच्छी दी गई है, मतलब ज़्यादा ही आदमी को ये जो इंसान को लेता है, जो ज़्यादा ही फोकस में लेता है और पीछे आपको देखने को आपको मिल रहा है। ब्लर काफ़ी अच्छा किया गया है इसका। नेक्स्ट फ़ोटो तो काफ़ी अच्छी डिटेलिंग इसमें ली गई है, तो मुझे फ़ोटोज़ वाइज तो काफ़ी अच्छा लगा। अल्ट्रा वाइड भी इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका अल्ट्रा वाइड भी, और साथ में काफ़ी अच्छे फीचर्स वगैरह इसमें दिए गए हैं। होती काफ़ी अच्छी मैंने इसकी मानी जाती है, काफ़ी ज़्यादा इसकी सुपर एमोलेड होती है, जिसकी स्क्रीन क्वालिटी वीडियो क्वालिटी जो हमें होती है तो काफ़ी स्मूथ हमें दिखाई देने को मिलती है। तो उसको चलो हम यूट्यूब चलाते हैं, आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं काफ़ी अच्छी स्क्रीन है इसकी, मुझे बहुत ही पसंद आई है। तो गाइस सैमसंग तो इस मामले में काफ़ी अच्छा है, जो इनकी इनकी स्क्रीन होती है, स्क्रीन काफ़ी अच्छी वो बनाते हैं सैमसंग वाले, तो क्वालिटी मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी है। तो इसमें हम आपको पबजी खेल के दिखाते हैं कि गेमिंग की एक्सपीरियंस कैसी गेमिंग का। तो गाइस जो आपकी पबजी जिसमें चलेगी आराम से गेमिंग तो इसमें आराम से तुम खेल सकते हो। इसकी आपकी सेटिंग ग्राफिक सेटिंग जो दे रखी है, ग्राफिक सेटिंग HDR अल्ट्रा पे आराम से तुम खेल सकते हो। लेकिन मैं इसको आपको ये नहीं कहूँगा कि आप HDR अल्ट्रा सेटिंग में खेलो, नहीं, इसमें कुछ लैगिंग वगैरह ये कर सकती है, क्योंकि ये गेमिंग फ़ोन नहीं है, ये सिर्फ एक तरह की यूजिंग फ़ोन है। आपको मैक्सिमम अगर मैं आपको सिर्फ स्मूथ एक्सट्रीम पे खेलने को कह सकता हूँ, क्योंकि HDR पे खेलने में कोई गेम बहुत ही ज़्यादा लैग करने लगेगी, तो उसमें आपको चीज़ वगैरह आपको जो मिलेगी। तो गेमिंग क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है। इसमें आपके जो फीचर वगैरह आपको मिलते हैं, स्मूथ पे खेलो, कलरफुल पे खेल सकते हो, HD पे भी खेल सकते हो, HDR पे भी खेल सकते हो। मैं मना नहीं करता आपको, HDR पे मैं उसकी क्वालिटी वगैरह आपको दिखा देता हूँ, मैं उस पर आपको क्वालिटी कैसी इसकी। ओके, एक और कन्फर्म करा, HDR पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा मिलती है। लेकिन आपको मैं खेलने को सजेस्ट नहीं करूँगा आपको खेलो, क्योंकि फ़ोन बहुत ही जल्दी हीट होने लगे और ज़्यादा बैटरी इसकी जल्दी डाउन होने लगेगी, तो उसकी क्वालिटी वगैरह बहुत ही अच्छी बढ़ जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो क्वालिटी काफ़ी अच्छी बढ़ गई इसकी HDR अल्ट्रा पे खेलने पर। लेकिन हाँ, अगर आपको फील चाहिए तो आप खेल सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं यूज़ करके दिखाता हूँ, हीट वगैरह नहीं, हीट अभी इतना हुआ नहीं है। हाँ, फ्रंट से हल्का सा हीट होने लगा है, क्योंकि यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इससे मिल जाता है। और आपको मैं शेडोज़ वगैरह इसके दिखा देता हूँ, ये मैंने HD अल्ट्रा पे करा, तो उसको आपको फील जो मिलती है वैसे देखने को मिलती है। और बैलेंस पे अल्ट्रा पे आपको इस तरह की मिलती है, और स्मूथ एक्सट्रीम पे खेलोगे तो थोड़ा आपको बोलिए आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि गेम स्मूथ चलेगी। हाँ, हल्की फुल्की साइज लैगिंग हो सकती है, लेकिन मैं इतनी लैगिंग आपको देखने की नहीं मिलेगी जितनी आपको लैगिंग मिलना चाहिए। और HDR अल्ट्रा अब इसमें सपोर्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसी पर दिखाता हूँ। गेम काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छा मुझे लगा है एक्सपीरियंस मुझे इसका, तो
काफ़ी टेक्सचर वगैरह भी बहुत अच्छे दिए गए हैं इसमें। तो हमारा ये था हमारा सैमसंग गैलेक्सी M21 का फुल रिव्यू। तो वीडियो तो मैंने इसकी फुल आपको दिखा दी है, और आपको भी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, और हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, क्योंकि मैं आपको हर बार ऐसी नई नई तरह के अनबॉक्सिंग आपको दिखाता रहूँगा। तो गाइज़ हमारे वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू गाइज़।